देखिए बेटा, आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, यानी हमें करंट के बारे में पढ़ना है। क्या है करंट, करंट क्या है, हमें यह पढ़ना है। देखिए करंट का मतलब क्या होता है। देखिए अभी तक पीछे हम पढ़ चुके हैं चार्ज के बारे में, चार्ज क्या था, चार्ज जनरेट किससे होता था, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या थी, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ चार्ज। तो हम चार्ज की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, अब हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है करंट के बारे में। तो पहले तो यही समझते हैं करंट है क्या। तो पीछे आप चार्ज के बारे में पढ़ ही चुके हैं, चार्ज क्या है। देखिए चार्ज जो होता था वो स्टेशनरी होता था, चार्ज होता था वो कैसा होता था, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ। तो जो रुका हुआ था वो चार्ज था। लेकिन अगर यही चार्ज, फ्लो होने लगे, मोशन में आ जाए, तब इसी को हम कहते थे करंट। यानी करंट कुछ और नहीं है, वही चार्ज ही है करंट। करंट कोई नई चीज नहीं है, वही चार्ज ही करंट है। जब तक वो रुका हुआ था तब तक तो चार्ज था, चार्ज था। और जैसे ही वो मोशन में आया, वो फ्लो होना शुरू हुआ, वैसे ही उसको हमने क्या नाम दे दिया, करंट नाम दे दिया। तो करंट एक प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज की। कौन सी प्रॉपर्टी है, जब चार्ज मोशन में हो। करंट एक प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। कौन सी प्रॉपर्टी, जब चार्ज मोशन में, यानी मूविंग प्रॉपर्टी हम ये कह सकते हैं। यानी जब वही चार्ज मोशन में होगा तो उसको हम करंट नाम देंगे, लेकिन जब तक वही चार्ज रुका हुआ होगा तब तक हम उसको चार्ज बोलेंगे। जब तक वो स्टेशनरी होगा, रेस्ट में होगा, तब तक हम उसको चार्ज बोलेंगे, जो कि टू टाइप का था, हमने पीछे पढ़ा है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। यानी ये समझ में आया हमें करंट है क्या, ये हम समझे कि करंट क्या है। तो करंट प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी, मूविंग प्रॉपर्टी, किसकी, चार्ज की। करंट मूविंग प्रॉपर्टी है चार्ज की, यानी चार्ज जब मोशन में होता है तो उसको हम करंट कहते हैं। अच्छा अब चार्ज अगर मोशन में है तो यहां से हमने करंट पढ़ा, हमें करंट क्या है, यानी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए साफ साफ पता चल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो के रेट को, मतलब मोशन के रेट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। यानी इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी सेक्शन ऑफ वायर, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, इसे हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जब तक चार्ज रेस्ट में था तब तक तो हमने उसको चार्ज कहा, लेकिन वही चार्ज जब मोशन में आ गया, तो उसी चार्ज को हमने क्या कहा, करंट कहा। यानी करंट कुछ और नहीं है, मूविंग प्रॉपर्टी है, किसकी मूविंग प्रॉपर्टी, चार्ज की। तो यहां से फॉर्मूला क्या हुआ, आई इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लोइंग अपॉन टाइम टेकन, यानी पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है वो है करंट। पर सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो जा रहा है वो क्या है, करंट। आई का फॉर्मूला अगर हम टोटल चार्ज फ्लोइंग को क्यू मान ले, टाइम को टी मान ले, तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी, ये आ गया करंट का फॉर्मूला, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्लियर। तो यहां से करंट क्या है, करंट है कि फ्लोइंग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जब चार्ज फ्लो होने लगे, चार्ज मोशन में हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, करंट नाम देते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। अच्छा अगर देखिए, अगर किसी वायर में, अगर हमने कोई मान लीजिए वायर ले रखा है, अगर किसी वायर के सेक्शन से, यानी यूनिट सेक्शन एरिया से डी क्यू चार्ज फ्लो हो, बहुत छोटा चार्ज, डी क्यू का मतलब डी किसके लिए यूज करते हैं, स्मॉल क्वांटिटी के लिए। अगर अगर किसी वायर के यूनिट सेक्शन एरिया से डी क्यू चार्ज बहुत ही थोड़े समय डी टी के लिए फ्लो हो रहा हो, तब करंट की डेफिनेशन क्या होगी, आई इज इक्वल टू, जैसे क्यू अपॉन टी था तो डी क्यू अपॉन डी टी हो जाएगा, तब करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज, डी टी क्या है, स्मॉल टाइम, क्लियर। यानी चार्ज फ्लो तो हो रहा है लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसा नहीं कि किसी भी तरह से फ्लो होने लगे उसको हम करंट नाम दे देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में चार्ज कितना फ्लो हुआ उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम करंट कहते हैं। तो करंट क्या है, मूविंग प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। जब तक वो रुका हुआ था तब तक स्टेशनरी था, तब तक वो चार्ज था, लेकिन जैसे ही वो मोशन में आया, वो क्या बन गया, करंट बन गया। तो करंट और चार्ज दोनों एक ही से जनरेट होते हैं, प्रॉपर्टी केवल चेंज है, रेस्ट में है तो चार्ज है, मोशन में आ गया तो करंट है। अब इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला है आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आई
कि हमें यूनिट चाहिए, क्यों, क्यों मतलब चार्ज, इसकी यूनिट हम पीछे पढ़ चुके हैं कूलाम, और टी मतलब टाइम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो यूनिट क्या हो गई कूलाम अपॉन सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड, या फिर हम इसको दूसरे नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है एम्पियर, दूसरा नाम क्या होगा एम्पियर, तो करंट की यूनिट होती है कूलाम पर सेकंड या फिर एम्पियर। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन होती है ए, करंट की डायमेंशन क्या होती है ए, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन कितनी होती है ए, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है, आप पीछे क्लास में 11 में पढ़ चुके होंगे कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट भी एक है जिसकी डायमेंशन क्या होती है ए होती है, तो ये इसकी यूनिट या डायमेंशन हो गई। अगर हमसे कहा जाए कि 1 एम्पीयर की डिफिनेशन कितनी होगी, अगर 1 एम्पीयर की डिफिनेशन पूछे 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर की डिफिनेशन क्या होगी, 1 एम्पीयर की डिफिनेशन, 1 एम्पीयर इज इक्वल टू, देखिए एम्पीयर किससे बना कूलाम और सेकंड से, तो 1 एम्पीयर का मतलब हुआ 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड, मतलब अगर किसी वायर में, अगर किसी वायर में पर सेकंड, 1 सेकंड का मतलब पर सेकंड 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, अगर किसी वायर में पर सेकंड 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो तो उस वायर में करंट कितनी होगी 1 एम्पीयर, यानी अगर किसी वायर में पर सेकंड 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो, अगर किसी वायर में पर सेकंड 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो तो उस वायर में करंट कितनी होगी 1 एम्पीयर, यानी इफ द चार्ज इज फ्लोइंग इन द वायर इज 1 कूलाम इन पर सेकंड, इफ द चार्ज इज फ्लोइंग इन द वायर इज 1 कूलाम इन पर सेकंड देन द करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर या विल बी 1 एम्पियर, यानी अगर वायर में कि पर सेकंड 1 कूलाम का चार्ज फ्लो हो रहा हो तो उस वायर में कितनी करंट होगी 1 एम्पियर की करंट होगी। क्लियर, देखिए इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या कि फ्लो रेट है, किसका फ्लो रेट है चार्ज का, अभी भी हमने पढ़ा कि फ्लो रेट है चार्ज का, नहीं अगर चार्ज फ्लो होगा तो उसको हम करंट बोलेंगे, अगर चार्ज फ्लो नहीं होगा तो उसको करंट नहीं बोलेंगे, तो करंट है चार्ज के फ्लो होने को हम करंट कहते हैं। अब चार्ज फ्लो कैसे होता है, तो आप ये पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो होता है वो किससे जनरेट होता है, हमने ये पढ़ा है कि चार्ज जनरेट होता है या तो इलेक्ट्रॉन से, ये फंडामेंटल यूनिट है चार्ज की, इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज को कैरी करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चार्ज को कैरी करते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि चार्ज को कैरी कौन करता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो अगर हमसे कहा जाए कि चार्ज फ्लो कराइए, अगर हमसे कहा जाए कि चार्ज को फ्लो कराइए मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को फ्लो कराइए, चार्ज को फ्लो कराने का मतलब क्या होगा इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को फ्लो कराइए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन फ्लो करेंगे आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास क्या होता है चार्ज होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फ्लो करेंगे मतलब चार्ज को अपने साथ फ्लो कराएंगे, क्योंकि चार्ज को कैरी कौन करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और हमें पता है कि करंट हमें तभी मिलेगी, हमें इलेक्ट्रिक करंट तभी मिलेगी जब चार्ज क्या करेगा जब चार्ज फ्लो करेगा, मतलब और चार्ज होता किसके पास है चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के पास, तो अगर हमें चार्ज को फ्लो कराना है, अगर हमें चार्ज को फ्लो कराना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को फ्लो कराइए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फ्लो कराते ही चार्ज भी फ्लो करने लगेगा, और चार्ज फ्लो करेगा तो हमें क्या मिलेगी करंट मिलेगी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें करंट फाइंड करनी है तो हम अगर किसी वायर से, अगर हम किसी वायर में, ये कोई वायर है, अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को फ्लो करा ले जाएं, अगर हम किसी वायर में इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को फ्लो करा ले जाएं, मूव करा ले जाएं, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगी, तो इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स क्या हुआ, ये कह सकते हैं मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन। देखिए प्रोटॉन का मोशन जो होता है वो इतना आसान नहीं होता है, क्यों, क्योंकि प्रोटॉन जो होते हैं वो आपने पढ़ रखा है न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया करते हैं, रिवॉल्व होते रहते हैं, अब अगर इलेक्ट्रॉन चारों रिवॉल्व हो रहे हैं, ये न्यूक्लियस जो उसके सेंटर में, यानी आइटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जहां पे होता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन सेंटर में होता है, इसका मोशन इतना आसान नहीं है, इसको मोशन कराने के लिए न्यूक्लियस को मोशन कराना पड़ेगा, प्रोटॉन को मूव कराने के लिए न्यूक्लियस को मूव कराना पड़ेगा, जो कि इतना आसान नहीं होता है, तो इसलिए मूव कौन करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो अगर हमें किसी वायर में करंट फ्लो करानी है, अगर हमें किसी वायर में चार्ज फ्लो कराना है या करंट फ्लो करानी है, तो हमें उस वायर में किसको मूव कराना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को मूव कराना पड़ेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है तो आप जानते हैं कि मूव तो तभी होगा जब वो फ्री होगा,
अगर आपने ये अभी भी जैसे स्ट्रक्चर देखा कि ये न्यूक्लियस होता है जिसके सेंटर में होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसके चारों ओर चक्कर लगाया करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो ये माइनस ये प्लस इनके बीच एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को अगर इस फोर्स से पकड़े हुए तो क्या इतनी आसानी से छोड़ देगा, उसको जाने नहीं देगा? तो अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां से हटे मूव करे तो सबसे पहले हमें इसको यहां से आजाद कराना पड़ेगा, क्योंकि ये तो इसको बांधे हुए मजबूती से पकड़े हुए। तो अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करे तो ये फोर्स हमें हटाना पड़ेगा, और ये फोर्स तभी हटेगा जब ये फोर्स वीक होगा। अगर ये फोर्स पावरफुल हुआ तो क्या इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन मूव तभी कर पाएंगे जब इलेक्ट्रॉन कैसे हो, फ्री हो। अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का फ्री होना जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होंगे तभी मूव कर पाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि करंट केवल उन्हीं में फ्लो हो सकती है। हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट केवल उन्हीं में हमको मिल सकती है जिनमें कौन हो, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होंगे तो हमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तब तक वो मूव नहीं करेंगे, तब तक वो मोशन में नहीं होंगे, क्योंकि जब बंधे हुए तो कैसे चल पाएंगे भाई। तो जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तब तक वो मोशन में नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं होंगे मतलब फ्लो नहीं होंगे तो हमें चार्ज नहीं मिलेगा, यानी चार्ज फ्लो नहीं होगा। जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो हमें करंट नहीं मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि हमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करनी है तो इलेक्ट्रिक करंट फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास होना चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सिंपल सा है कि जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट मिलती है, इलेक्ट्रिक करंट उनमें फ्लो होती है क्योंकि चार्ज फ्लो होंगे। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं मिलती है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, ऐसा हम पढ़ चुके हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। दो तरह के मटेरियल पढ़ चुके हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, यानी ऐसे मटेरियल। ये पीछे क्लास में, पीछे वाले टॉपिक में भी कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में आपको बताया गया, इसलिए हम ज्यादा डीप इसको नहीं बताएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा केवल हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये फ्लो करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे मतलब अपने साथ किसको फ्लो कराएंगे, चार्ज को फ्लो कराएंगे मतलब करंट मिलेगी। और दूसरे कौन होते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद नहीं होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो मूव नहीं कर पाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, मोशन में नहीं होंगे तो अपने साथ चार्ज भी फ्लो नहीं कराएंगे, मतलब हमको करंट नहीं मिलेगी। तो दो तरह के हमने मटेरियल देख लिए, कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर वो होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमने अभी भी पढ़ा कि करंट हमको तभी मिलेगी जब चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज तभी फ्लो होगा जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि चार्ज को कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिसमें करंट इजिली फ्लो हो सके, जबकि इंसुलेटर वो मटेरियल वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें करंट इजिली फ्लो नहीं होती है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बेटा इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन होती है, कैसी डायरेक्शन, देखिए अभी हमने कहा इलेक्ट्रिक करंट को कब मिलेगी, जब उसमें चार्ज को हम फ्लो कराएंगे। और आप पीछे टॉपिक में पढ़ चुके चार्ज फ्लो कब होता है, जैसे हम एक वायर ले लें, हम ये एक वायर ले लें ठीक है, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद भी है, मान लेते हैं इस वायर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन क्या वो चलने लगेंगे अपने आप, बिल्कुल नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि चार्ज जो होता है, आप ये जानते हैं कि चार्ज कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, हमेशा फ्लो होता है कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। आप ऐसा पढ़ चुके हैं कि चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। अगर पोटेंशियल सेम हो जाए तो चार्ज फ्लो ही नहीं होगा, अगर दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम हो जाए तो चार्ज फ्लो नहीं होगा। मतलब एक सिंपल सा वायर ले लें हम, अपने घर में कोई भी एक छोटा सा तार का टुकड़ा उठा लो, कह दें इसमें करंट होए, क्या इसमें, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो उसमें मौजूद होंगे, तभी तो जब हम अपने स्विच से यानी बोर्ड से जोड़ते हैं तो उसमें करंट फ्लो होती है। नॉर्मली वायर का टुकड़ा उठाओ, कहीं इसमें करंट फ्लो हो रही है,
हम ऐसे ही बल्ब इसमें लगा दे जलने लगे, हमें बोर्ड या स्विच की जरूरत ही ना पड़े, क्या ऐसा पॉसिबल होता है? यानी एक छोटे से वायर में करंट फ्लो नहीं होती मौजूदा समय में, क्यों? इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन हमेशा यानी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अगर यही निगेटिव चार्ज होता, तो लो से हाई नहीं उठता चलता, निगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले हमें इस वायर के पास पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हाई लो नहीं होगा पोटेंशियल, तब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट करेंगे? तो हम क्या करते हैं, इस वायर को किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, प्लस माइनस। हमने इस वायर को किसी बैटरी से जोड़ दिया, प्लस माइनस। अब आप बताइए, जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा तो पॉजिटिव टर्मिनल का यानी ए का, हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल ए मान ले, इसको बी मान ले, तो पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल तो हाई हो जाएगा, जबकि निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल जो हो जाएगा वो लो हो जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई हो जाएगा, निगेटिव का पोटेंशियल लो हो जाएगा। अब ऐसी सिचुएशन में पॉजिटिव का पोटेंशियल हाई, निगेटिव का पोटेंशियल लो, हमने कहा निगेटिव चार्ज लो से हाई की तरफ फ्लो होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लो से हाई की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, वैसे भी आप प्रैक्टिकली समझिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन होते निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज होते, निगेटिव चार्ज, और निगेटिव हमेशा किधर आएंगे, पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये बैटरी की ये प्लेट पॉजिटिव है, तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ आएंगे। तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे, इधर से आएंगे, यहां से आएंगे, यहां से इंटर कर जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हुए पॉजिटिव में इंटर कर जाएंगे, और निगेटिव से फिर से निकल के वायर में चले जाएंगे। ये अपना सर्किट पूरा करते रहते हैं, और यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, यानी हम कहते हैं कि करंट फ्लो होने लगी, हम कहते हैं करंट फ्लो होने लगी, लेकिन इसकी एक डायरेक्शन फिक्स है, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं जा सकते। क्या कभी भी इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा सकते हैं? इस तरह से इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही आएंगे। तो इस तरह से करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन फिक्स है, करंट की डायरेक्शन होती है, कैसे डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन तो इधर चल रहे हैं, इधर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इलेक्ट्रॉन किधर चल रहे हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, निगेटिव से देखिए, ये इधर निगेटिव है, इधर पॉजिटिव, लो से हाई की तरफ इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ। लेकिन अगर ये प्रोटॉन होते, अगर यहाँ पे प्रोटॉन होते तो ये कैसे चलते, वो माइनस की तरफ जाते, देखिए प्लस किधर अट्रैक्ट होता, माइनस की तरफ, प्रोटॉन इधर जाते, और करंट की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज होती है, ये याद रखिए, जो करंट की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है उधर ही करंट होती है। तो पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन भी प्लस से माइनस की तरफ होती है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट होती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ निगेटिव चार्ज, यानी करंट जो होती है वो या तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होती है, या फिर निगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ये होती है करंट की डायरेक्शन। क्लियर? करंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट चलती है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट उधर जाएगी। तो यहां से हमने देखा कि करंट के पास एक फिक्स डायरेक्शन होती है, करंट के पास एक फिक्स डायरेक्शन होती है, लेकिन फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बहुत समझने वाली बात है कि करंट के पास डायरेक्शन तो है अपनी, लेकिन फिर भी करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट के पास डायरेक्शन होती है, फिक्स होती है, कभी भी करंट डायरेक्शन उल्टी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि सिर्फ डायरेक्शन ही होना सब कुछ नहीं है, करंट जो है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, इसलिए इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन,
बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे हमने एक वायर लिया, हमने कहा एक वायर ये आ रहा है, एक वायर ये आ रहा है, दोनों यहां पे जुड़े और तीसरा वायर इधर गया, तीसरा वायर इधर गया। वेक्टर क्या कहता है कि ये दोनों अपोजिट हैं। अगर हम मान लेते हैं ऊपर से आ रही करंट 5 एम्पियर, अगर ये करंट 5 एम्पियर आ रही हो, ये करंट आ रही है 3 एम्पियर, तो उस हिसाब से ये दोनों अपोजिट है और यहां पे आनी चाहिए, अपोजिट होने की वजह से दोनों घट जाने चाहिए, यहां पे आनी चाहिए 2 एम्पियर वेक्टर के हिसाब से। लेकिन हमने जब यानी जब एक्सपेरिमेंट करके देखा गया, प्रैक्टिकली देखा गया, तो 5 3 8 यहां पे आ रही थी 8 एम्पियर, यहां पे ये दोनों ऐड हो रही थी। देखिए ये करंट यहां आ गई, ये करंट यहां आ गई, दोनों ऐड होकर कितनी होगी 8 एम्पियर। जबकि वेक्टर एडिशन क्या कहता था कि जब ये दोनों अपोजिट हैं, अपोजिट में अगर एक प्लस लेंगे तो दूसरा अपने आप माइनस हो जाएगा। वेक्टर में यही होता है कि अगर दो अपोजिट वेक्टर हो तो एक प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में यहां आना चाहिए था 2 एम्पियर, लेकिन यहां पे 2 एम्पियर नहीं आया, यहां पे कितना आया 8 एम्पियर, जिसकी वजह से हमें पता चला कि जो करंट है वो वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती। इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, जिसकी वजह से करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, मतलब करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है।